आपण मैंने जानती कि आम विजु जनता दल मैनिफेस्टो जोटा माननीय मुख्यमंत्री पार्टी प्रेसिडेंट 9 तारीख गत 9 तारीख दिन रिलीज करते विषय आम गोटे सीरीज प्रेस मीट करुचु। प्रथमे मूल मुद्दा उपरे कहिथिलु, तापरे गोटे गोटे सेक्टर उपरे नहीं कथा होचु। आउ सेही सेक्टर रे कथा हला समय रे भारतीय जनता पार्टी से विषय रे कौन कहिछि, आपण माने जानुथिबे कि गोटे हतोच्छा भाव जोगु भारतीय जनता पार्टी जिवळी तांकर नेता माने जिवळी भाव रे मु कहिबि कि बाचाळामी करुछंती, मिथ्या आधार उपरे मिथ्या तथ्य उपरे परिवेशित कंक्लूजन केवल प्रेस मीट रे नुहे साधारण सभारे मध्य ओडिशा लोकों को भ्रमित करने पर चेष्टा करुछंती, से विषय आम कही आसचु। आज से मर्मरे आमे आमर जो मैनिफेस्टो रे माननीय मुख्यमंत्री ग्यारंटी नंबर 15 हेल्थ फॉर ऑल से विषय कहवाप जाऊ। आउ सेही परिप्रेक्षीरे भारतीय जनता पार्टी विगत 5-6 वर्ष हला जो विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड उपरे आउ प्राइम आउ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत उपरे जहाँ कही आसी से विषय मध्ये आलोकपात करी। प्रथम कि जो 15 नंबर ग्यारंटी माननीय मुख्यमंत्री नवीन ग्यारंटी हिसाब से देइछंती, से ग्यारंटी एभली गोटे ग्यारंटी जोटा बढ़ी बढ़ी चली ग्यारंटी कहवा आगु 3.5 कोटी ओडिशावासी विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रे ऑलरेडी अंतर्भुक्त हो सारी। यही 15 नंबर ग्यारंटी रे विजु जनता दल पक्ष प्रतिश्रुति दि जाऊँगी कि ये जो BSKI कार्ड तार परिधि तार जो कवरेज ताकु आहुरी बढ़े प्राय सारा ओडिशार समस्त ओडिशावासी को से कवर करने प्रतिश्रुति देउछंती। गोटे यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जोटा कि भारत बर्षर कौन सी राज्य रे करा जाए ना, से गोटे प्रचलन करने प्रतिश्रुति देउछंती। BSKY नवीन कार्ड रे जो 3.5 कोटी को ऑलरेडी कवर करा जाइतला, ता छड़ा जो सरकारी कर्मचारी अछंती, जो मैंने आउटसोर्सड एम्प्लॉय अच्छा, जो मैंने आशाकर्मी अच्छा, जो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर, जो मैंने ग्राउंड लेवल रे काम कर, समस्त को अंतर्भुक्त पर्याय क्रम गोटे प्रतिश्रुति दि जाऊँगी, ग्यारंटी दि जाऊँगी। यह करवा द्वारा ओडिशार मुझे जहाँ कहली 4.5 कोटी ओडिया हाराहारी समस्ते हेल्थ स्वास्थ्य विषय आवाई पड़ब। ए परिप्रेक्षी में कहवाप चाहे कि जो BSKI कार्ड से आज पर्यंत प्राय 25 लक्ष रु अधिक क्लेम 6,000 कोटी टंका आउ 700 रु ऊर्ध प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल 17 स्टेट रे करा जाय आछ। तेणु जो केते जगह कहा जाऊँ आमर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मैंने कहुचंती कि सेटा बाहर हॉस्पिटल रे होनी ओडिशा बाहर कौन करिवे, मु पुनी थरे कहि रखिया चाहे कि एबे हाराहारी 700 टू ऊर्ध्व प्राइवेट हॉस्पिटल रे विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड को ओडिशा बाहर एक्सेप्ट करा जाउची। आउ सेई एम्पैनल हॉस्पिटल रो संख्या को बढ़ई कि हाराहारी 900 पाखापाखी पहुँचाप आमे विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रो जो आमर नवीन ग्यारंटी 15 रे नेक्स्ट 5 वर्ष रे गोटे लक्ष्य रखा जाय छे। तेणु केवल जे लोक मानकर कवरेज बढ़ुची से नुह, हॉस्पिटल मानकर भी कवरेज बढ़ुची, ता द्वारा जो ओडिशार लोक बाहर थांतु ओडिशा भितर थांतु जो समय भी चाहिए हेल्थ रो पाखक जाई कि पहुंची किभली भाव स्वास्थ्य सेवा पाई उत्तम स्वास्थ्य सेवा पाई से गोटे प्रतिश्रुति जो आम मैनिफेस्टो रो मुख्य हेल्थ फॉर ऑल एटा हो मैनिफेस्टो गोटे मुख्य लक्ष्य हेल्थ सेक्टर रे। द्वितीय कथा हला कि जो इम्युनाइजेशन अच्छी छुआंकर इम्युनाइजेशन अच्छी से ऑलरेडी आम भारत वर्ष रे नेशनल एवरेज जोटा भारत रो एवरेज अच्छी ताठ ऊर्धरे अच्छा से आहुरी आम
बढ़ई नबु आउ रखी भारत बर्ष रे सबुठ जल्दी इम्युनाइजेशन जो लक्ष्य रखी से पहुँचाप चेष्टा कर। तृतीय हैला माल न्यूट्रिशन कुपोषणता। माल न्यूट्रिशन विषय में बहुत कथा कहा जाइछि आपण माने जानिछंती ओडिसावासी जानिछंती भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता माने तांकर केन्द्रीय मंत्री किभली भावरे एही सब्जेक्ट उपरे एही विषय रे कहि आसछंती। किंतु सबुठरु आश्चर्य कथा आपनकु लागिले आश्चर्य लागिव आमर मैनिफेस्टो रे लेखा हिछि 15 नंबर ग्यारंटी अंडर रे कि ओडिसा रे माल न्यूट्रिशन कुपोषणता भारत बर्ष रे सबुठ कम रेट रे सबुठ बेसी रेट रे हेबा पई जाउची हेउची ता माने कुपोषणता बहुत जल्दी कमिबारे लागिची। हाईएस्ट रिडक्शन इन माल न्यूट्रिशन इन दि कंट्री सबुठ द्रुत गति रे माल न्यूट्रिशन ह्रास हेबा पई होउची। आपण माने जानंती कि आमे ए जो हेल्थ फॉर ऑल कहुचु केवल तो प्रतिश्रुति माने आपण जानती कि माननीय मुख्यमंत्री केवल प्रतिश्रुति दियंती नाही कथा कम कहती कार्य कम करती लोकों पाखे ए कार्ड पहुँचला फैसिलिटा किभली पहुँचव से डॉक्टर्स मानक अपॉइंटमेंट दरकार हॉस्पिटल बेसी हवा दरकार पारामेडिकल स्टाफ मानक बेसी हवा दरकार से कौन कर प्रतिश्रुति आम ग्यारंटी से विषय में कहना जाऊँ। आमर जो मेडिकल कॉलेज और पारामेडिकल इंस्टीट्यूशन अच्छा से मानू एभली भाव से एवं स्टाफिंग करा नुआ मेडिकल कॉलेज आसी ओडिशा एवं भारत वर्ष रे गोटे डॉक्टर सरप्लस स्टेट हिसाब से आग को आसुची बहुत जल्दी से लक्ष्य मध्य टारगेट पूरण हेबो। ओडिशा रे जतिकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अच्छा सीएचसी अच्छा आउ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा जो मानकर कवरेज हो नथिला हरहरी 1500 से मानक समस्त को आम हॉस्पिटल योजन कवर करी से इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन प्रतिश्रुति रखा जाए ग्यारंटी रे। आपण मैंने जानती कि एससीबी मेडिकल कॉलेज को 4500 कोटी टंका रे एम्स प्लस हॉस्पिटल हिसाब से गढ़ी तोलिबा प्रयास जारी रही लक्ष्य पूरण करने जाऊँ। आई परिप्रेक्षी आउ जो दुईट हॉस्पिटल अच्छी भीमसार बुर्ला आउ एमकेसीजी ब्रह्मपुर सेटा को मध्य हजारे कोटी टंकारे से गोटे एम्स स्टेटस को अपग्रेडेशन करने प्रतिश्रुति दि जाऊँगी। नुआ मेडिकल कॉलेज फुलबाणी रे जाजपुर रे एवं तालचेर रे करा जीवा मध्य प्रतिश्रुति दि जाए। यह सबू कहला बेले गोटे कथा मन रखा उचित आम समस्ते कि ओडिशा रे जो हेल्थ एक्सपेंडिचर बजेट्र के अंश हेल्थ उपर स्वास्थ्य उपर खर्च होते आम जहाँ सब प्रतिश्रुति कहूँ से ही रिफ्लेक्ट हे जदि बेसी पैसा खर्च होने आम सब एगुड़ा लक्ष्य को हासिल करने चेष्टा करदी से केवल भाषण दिजिव कि खर्च हो नार किसी मिनिंग ना ओडिशार एवं हेल्थ एक्सपेंडिचर भारत बर्षर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर अच्छी बजेट हिसाब से हाराहारी 3% ताटू कम ओडिशार एवं हाराहारी 8% अच्छी आहरी बढ़ेकि नापी गोटे प्रतिश्रुति दि जाऊार हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी शैल बी दि हाईएस्ट इन दि कंट्री बाय 2034 2034 मसीहा ओडिशा भारत बर्ष एक श्रेष्ठ राज्य हिसाब से ही सारी माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न साकार होती बेलू समस्ते ओडिशार एग्जांपल दे केरल एग्जांपल देवेनि ओडिशार एग्जांपल दे आपण मैंने जाणी रखा आम समस्ते जाचे कि गोटे परिवार स्वास्थ्य उपर खर्च हाराहारी 50% 48% ओडिशा इकोनॉमिक सॉरी नेशनल इकोनॉमिक सर्वे भारत वर्ष इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 लिखाई उल्लेख है। ये जो सब करवा द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर बीएसकेवाई कार्ड मध्यम करवा द्वारा ये खर्चटा अच्छी पर कमिज आईटा बहुत परिमाण में कमी की अलमोस्ट नील जिते से पैसाटा फैमिली गोटे परिवार रहा डिस्पोजेबल इनकम पर अलग एस्पिरेशंस को अचीव करेंगे तेणु तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अच्छी नेक्स्ट 10 वर्ष ओडिशा प्रतिश्रुति दि जाऊँगी कि भारत बर्षर सबुठ कम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यदि कौन सी राज्य में थाए से ओडिशा हम ओडिशार परिवार ओडिशार ओडिया से बहुत लाभान्वित हे आई सबू कथा भारतीय जनता पार्टी को
हजम हो ना। भारतीय जनता पार्टी ओडिशावासी भल चाहू ना ओडिशावासी परिवार भल चाहू से जना पड़ूना। जहाँ जना पड़ी कि सबु क्षेत्र में प्रतिरोध करवा सबु क्षेत्र में बीएसकेई कार्ड को गाली दबा बीएसकेई कार्ड को बंद करदेवाई गोटे प्रकार चेष्टा पांच वर्ष छः वर्ष है चली आईपाई आयुष्मान भारत भाया जो प्रोजेक्ट अच्छी केन्द्र सरकार को से विषय से माने कही आपंती कि समस्त जनसभा माननीय माननीय प्रधानमंत्री हूँ किंबा तंकर अलग केन्द्रीय मंत्री मैंने समस्ते कहते कि आम ओडिशा रे विजु जनता दल सरकार आयुष्मान भारत को लागू करूना लागू करिला नाही तेणु ओडिशावासी को स्वास्थ्य रो जो सुविधा मिलला ना मुको जो एपर्तंत कहली से जापे कि ओडिशावासी स्वास्थ्य कथा किए बेसी बुझुचे मुझे आयुष्मान भारत और विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड कंपैरिजन विषय कह एबे किसी दिन तले जो ट्वीट मध्यम विजु स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता कहते कि विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड में किसी होना किसी भल नुह ओडावासी भल नुह मुझे कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उज्जवल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजन प्रत्येक पर पांच लक्ष टा मिल से ही पांच यहाँ मुझ बहुत भल भाव प्राजल भाव बुझेपी चाहूँगी कि ये पांच लक्ष ट लिमिट सरकारी हॉस्पिटल हो किंबा बेसरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल सबु जगह समान पुरुष हूँ महिला हूँ सबुठ समान किंतु विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रे आपण माने समस्त जानी पांच वर्ष हैला आम से इम्प्लीमेंट करिछु सक्सेसफुली कार्ड बंटा जाइछ सबु जगह से महिला मानू दस लक्ष टंका पुरुष मानू पांच लक्ष टंका सरकारी हॉस्पिटल रे कोनोसी लिमिट नाही सरकारी हॉस्पिटल रे जेते तंकर ट्रीटमेंट हबो सबु मागणा रे करा जीवो आपण माने एथिरे कुहंतु कि ओडिशा वासी कोने एते मूर्ख कि से माने जानी पारु नांती कि प्राइम अमर जो आयुष्मान भारत भलो ना विजु स्वास्थ्य कल्याण भलो सेइथि पई राज्य सरकार विजु अमर आयुष्मान भारत को लागू करिवार कथा नुओ ओडिशा वासी आयुष्मान भारत को रिजेक्ट करुछंती कहीं से जानते कि आयुष्मान भारत रे जो बेनिफिट मिलुची ताठू अधिक बेनिफिट आउ कमिटेड बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी मध्यम न जाएकी मिलुची विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड आई बहुत प्रकार अपप्रचार करा जाउची कि विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रे ओडिशावासी स्वास्थ्य कथा बुझा जाऊना जदि से भारतीय जनता पार्टी सरकार आसबे विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड को प्रथम टार्गेट करेंगे बंद करने चेष्टा करेंगे आ मु भावुची ओडिशावासी आम समस्ते ए विषय सजग रहा आम कबले करने देवा नहीं आम जाचे कि आमपाई विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड ही हेल्थ कवरेज दौर प्रत्येक पर सदस्य को दौर प्रत्येक ओडिया को दौर ता छड़ा आमर आयुष्मान भारत केवल 1949 पैकेजेस बेले बीएसके वाई रे 2071 पैकेज अच्छे आयुष्मान भारत स्कीम रे केवल इन पेशेंट एडमिशन्स कवर हेला बेले आउट पेशेंट ओपीडी सेटा कवर होना किंतु विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रे सेटा मध्य कवर हो तेणु आपण माने जानी पड़ुथबे कि जो अपप्रचार करा जाउछि विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड आउ तापर एबे विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड नवीन रे जतबे सारा ओडिशा कवर हो निद हजि जाइछ तेणु बाउली होउछंती आउ कहउछंती एपट से कथा सेपट कथा कहउछंती कोनोसी सत्यता नाही से माने निजे जानिछंती जे विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड आयुष्मान भारत टू अधिक उपादे एबे सेथिरे गोटे कहा जाइथिला मलेरिया विषय मलेरिया विषय रे ओडिशा रे किछि करा जाउ नै बहुत जगह रे मलेरिया बढ़ी छि ए विषय रे मु किछि तथ्य रखिबा पई चाहू छि ओडिशा रो ओडिशा रे मलेरिया डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गोटे स्वीकृति पाई छि कि ओडिशा रे सबुठू फास्टेस्ट एंड शार्पेस्ट डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस मलेरिया जदि सबुठ कौटी द्रुत गति ह्रास पाऊँ से ओडिशा रे होटा आमे कहनु
केन्द्र सरकार कहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाधिव केन्द्र सरकार को यहाँ शुणापी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौची से मैंने इनफ्लुएंस करें ना आम भी इनफ्लुएंस करूँ ये डिक्लाइन है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मलेरिया रिडक्शन 2015-21 जो भाया रिडक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निजे राज्य सरकार को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे 2022 मसीह कि आस कि मलेरिया रे किसी काम है ना ये जो आमर डिक्लाइन है मलेरिया रो जो डेथ लोक मरी जाते केस रिपोर्ट होता से 80% ह्रास पाई 2016-18 दुई वर्ष मध्य आम मलेरिया को टैकल करला ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री निर्देश माननीय मंत्री नेतृत्व में एबे आसीबा इनफैंट मोर्टालिटी इनफैंट मोर्टालिटी IMR मैटरनल मोर्टालिटी MMR से आमर कौन उपलब्धि से विषय में इनफैंट मोर्टालिटी ओडिशा 2005-2020 15 वर्ष भितर सबुठ द्रुत गति जदि ह्रास पाई भारत बर्ष कौन राज्य ओडिशारे हाईएस्ट डिक्लाइन इन इनफैंट मोर्टालिटी रेट इन दि कंट्री एवं हाराहारी नेशनल एवरेज आ पाखक आसिक पहुँची गला 35 पाखे आईटा आम कहूनु केन्द्र सरकार द्वारा जो SRS अच्छी रजिस्ट्रेशन सर्वे जोटा अच्छी सिस्टमैटिक रजिस्ट्रेशन सर्वे से उल्लेखित अच्छे आसवा मैटरनल मोर्टालिटी रेट मैटरनल मोर्टालिटी रेट रे भारत बर्षर सेकेंड हाइएस्ट सबु भारत बर्षर सबु राज्य तुलन में सेकेंड हाइएस्ट डिक्लाइन जदि कौन स्टेट रेटा ओडिशा 2015-17-2018-20 भितर आ सबुठ गोटे बड़ उपलब्धि मुते राज्य सरकार रे काम करिछि अगरु निजे इटी अकाउंटेंट जनरल भी थिली देखिछि जिभली भावरे इंस्टीट्यूशनल डेलीवरी गोटे समय रे 2000 मसिया रे थिला बळकु 39% थिला एबे 92% आसिकी पहुँचिछि एटा गोटे इंडिकेटर कि किभली भावरे उन्नत स्वास्थ्य सेवा ओडिशा रो कोणे कोणे प्रत्येक रूरल एरिया रे प्रत्येक घरे पहुँची पारिछि और सेटा एबे 92.2% रे आमर नेशनल हेल्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो सद्यतम 2019-21 रु उल्लेखित होता हूँ गोटे बहुत बड़ उपलब्धि एबे आसीबा ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस रे सेकेंड रैंक इन दि कंट्री एगेन भारत वर्ष रे सबु राज्य तुलन में सेकेंड रैंक रे अच्छी टीबी रिडक्शन रे ट्यूबरकुलोसिस रिडक्शन नाउ ए जो उपलब्धि गुडाक हो पारिछि एगुडाक आमर जो उन्नत सेवा स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा जो गोटे लक्ष्य रही आसी माननीय मुख्यमंत्री को ताको आहुरी किभली भाव में बढ़े हम से हूँ मैनिफेस्टो आम से मुख्यमंत्री से प्रतिश्रुति ओडिशावासी को देप्रेक्षी में पुणे कहवापी चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता पुणि थे कि हॉस्पिटल रे डॉक्टर नांती नर्सेस नांती ये किसी स्टैटिस्टिक्स देते सदा बेले मुझे कही आसी आम कल भी कही मिथ्या तथ्य किंबा अर्ध सत्य परिवेशित एनालिसिस कंक्लूजन केबे हेले लोकंकु बेसी दिन हुआ बुलै पारिबो नै ओडिशावासी जानिछन्ति ओडिशावासी एपर्यंत जानिछन्ति किभली भाबरे माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक मुहूर्त तांकर ओडिशावासी ओडिया माननको पई कांदुची आउ से तांकु किभली भाबरे समस्त प्रकार सबुठ भारत बर्षर श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा जोगाई दिया जाय पारिबो सेति पई किभली चेष्टा करि आछन्ति 10,000 मेडिकल ऑफिसर्स आमर विगत 5 वर्ष भितर 10,000 मेडिकल ऑफिसर मानक रिक्रुटमेंट हो 4,127 केवल 2023-24 ये प्रक्रिया मध्ये चली 12,000 पारामेडिक्स पारामेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल रे थांती से माने मध्ये बहुत गुरुत्वपूर्ण रोल करथांती हॉस्पिटल रे 12,000 मेडिक पारामेडिक्स को 2019-24 5 वर्ष भितर अपॉइंटमेंट करा जाय छी सेथिरु 3,800 केवल ए गत वर्ष करा जाय छी 23-24 रे 8टी नुवा मेडिकल कॉलेज 2टी न्यू पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट लास्ट 6 वर्ष भितर करा जाय छी या जोगु एबे ओडिसा इज प्रोड्यूसिंग ओडिसा रे एबे क्वालिफाई करिवे 2,525 MBBS डॉक्टर आउ 1,007 स्पेशलिस्ट प्रति वर्ष
प्रति वर्ष 25,025 MBBS डॉक्टर आ 1125 2525 मु रेक्टिफाई कली 2525 डॉक्टर आ 1007 स्पेशलिस्ट प्रति वर्ष बाहर आगुरु से 321 आ 254 2000 मसीह बाहर थे यहाँ कौन गोटे उपलब्धि नुहे ए कौन आम समस्ते गर्व करने कथा नुहे भारतीय जनता पार्टी फैमिली परिवार मध्य कौन बेनिफिट पाईना यहाँ जो तो ओडिशा रा स्वास्थ्य सेवा उन्नत होई मुझे स्टैटिस्टिक्स आगुरु कहली अचीवमेंट केमती है ये कि स्वास्थ्य सेवा किभली भाव में उन्नति हे से कन्स्टेंटली गोटे कार्य मानव ये तो गोटे ओवरनाइट हे ना गोटे वर्ष ना 25 वर्ष है अनवरत प्रत्येक मुहूर्त में मानव मुख्यमंत्री यही स्वास्थ्य सेवा को किभली भाव में रोबस्ट करहब कि भाव में बढ़े हम तापर कार्य कर परिप्रेक्षी में कहना चाहेबी कि जदि आम जो हॉस्पिटल से सब हॉस्पिटल विषय गोटे स्टैटिस्टिक्स अच्छी से कि बेड पॉपुलेशन रेशियो ओडिशा रे लोकों पाखे केते बेड अच्छी आमर पॉपुलेशन जनसंख्या केते भारतीय जनता पार्टी रो जो प्रवक्ता गोटे ट्वीट करते से ए विषय मत उल्लेख कर कि ओडिशा रे जमा एत हॉस्पिटल कहीं अच्छी कम एत कहीं अच्छी एतिक डॉक्टर नांती सेतिपई ए स्टैटिस्टिक्स आउ ए स्टैटिस्टिक्स सुनिले देखिले आपण आश्चर्य हेबे एटा मु कहू नाही एटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राज्यसभा रे तंकर अनस्टार्ड क्वेश्चन थला 255 19 नवंबर रे माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे पार्लियामेंट रे आंसर देछ आउ सेही आंसर रे से लिखिछंती कि ओडिसा रे जदि एवरेज एलोपैथिक डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो धरा जाए ताले एबे ओडिशा रे से संख्या होची 2495 ता माने 2495 लोकों को पाई जने डॉक्टर अछंती उत्तर प्रदेश रे केते अछंती जानि छंती उत्तर प्रदेश रे 3692 लोकों को पाई गोटिए डॉक्टर अछंती मध्य प्रदेश रे एते दिन तंकर सरकार थिले तार अवस्था मध्य मु कहिबा पई चाहूची 2691 लोकों को पाई गोटिए डॉक्टर बिहार रे 3536 लोकों पर गोटे छत्तीसगढ़ 4045 जन जड़े हरियाणा रे 6287 लोकों पर जड़िए हिमाचल रे 3015 लोकों पर जड़े ए क्वेश्चन आपण मैंने देखिदारे यूर आपण मैंने जापे कि भाव जितेबाला पार्लियामेंट रे आंसर दिहे सत्य कथा निश्चय कहवाई पड़ो किंतु जितेबाला बाहर आसिकी भारतीय जनता पार्टी नेता मैंने ओडिशावासी कहते ताहले इटा कौन देखा देखा कि ओडिशावासी को भकुआ बनैया ओडिशावासी बुझिपारे ओडिशावासी को मिथ्या कले बुझिपारे और मिथ्या को रिपीट कले सत हो पार्लियामेंट क्वेश्चन आंसर रु क्लीयरली आपारे कि ओडिशार स्वास्थ्य अवस्था डॉक्टर जो बेड आउ पॉपुलेशन बेड पॉपुलेशन मान गोटे हॉस्पिटल बेड जितेबाला बेड जो हॉस्पिटल संख्या बढ़े मुझे कहली 13 मेडिकल 8 न्यू मेडिकल कॉलेज 2 न्यू पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कराई आ जो रेट्रे प्रोग्रेस होटा ए प्रतिपादित होसबि आपन को कहवापी कि आमर गोटे से जो ट्विट्रे जो ट्विट कर प्रवक्ता सीटी स्कैन सेन्टर विषय कह 2018-19 सीटी स्कैन थी 13 2023-24 एक आगुरु 13 डिस्ट्रिक्ट थिला एबे 20 डिस्ट्रिक्ट अच्छी आगुरु 60,000 केस करा जाइतला एबे 3,24,000 केस 2023-24 सुधा कराई आउ हेल्थ सर्विस किभली भाव में बढ़ी विगत 5 वर्ष विषय भितर ता विषय आहुरी किछि मु डेटा देवाई चाहिए एगुड़ाक आपने नहीं जापरेंगे मोटू से कि पर्सन जो मन को फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस निदान स्कीम आउट पेसेंट दि जाइए 5 वर्ष विषय भितर से 138% इनक्रीज कर 138% बढ़ी आपड़ जदि ने फ्री डायग्नोस्टिक सीटी स्कैन 433% बढ़ी आपड़ जदि ने एमआरआई 235% बढ़ी एथिरे कौन हेल्थ सर्विस बढ़ी ना कि भाव में मिथ्या परेषण करवासी निजे सुनुंट देखुं आज से मध्य आम तथ्य भितर कहवापी चाहूँ कि जो मिथ्या परेषण हो डेटा अच्छी से डेटा से मेरे भी अच्छी जाशु ओडिशावासी ओडिशार परिवार किभली भाव में भल स्वास्थ्य सेवार वंचित हूँ से गोटे भारतीय जनता पार्टी प्रयास किंतु ए प्रयास के साकार होना मानव मुख्यमंत्री जो ग्यारंटी अच्छी से ग्यारंटी के प्रयास सफल होना
ଆପଣ ସେଇ 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 ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା BSQI ର ପଇସାରେ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। BSQI ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ବେନିଫିସିଆରି ଯେଉଁମାନେ BSQI କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ରେଜ୍ କରିବ ତାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ଆଉ ସେ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ୟାନେଲ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ 100% ସବୁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କାଳେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ କେସ୍ ପାସ୍ କରାହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କାଳେ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଦିଆ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ସବୁତକ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ ଡକ୍ଟର କ୍ଲେମ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟିର ପ୍ୟାନେଲ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କେବଳ 10%କୁ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ 100% ଡେଥ୍ କେସେସ୍ ଆଉ 100% ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କେସେସ୍। ଏଇଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ, କମ୍ପାସନ୍ କ'ଣ। କାଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଭୁଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ତାଙ୍କ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ୱିଙ୍ଗ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେସେଣ୍ଟରୁ। 100% ଯେତେବେଳେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଉଛି ସବୁ କେସ୍ରେ ଫୋନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କି 97% ପଜିଟିଭ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଏ ବେନିଫିସିଆରି ବିଷୟରେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯଦି ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟରମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇକି ଦାଦନ ଡକ୍ଟର ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାକ୍ତର ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଇନସଲ୍ଟ। ଦାଦାନ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦାନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇଠି ଚାକିରି ଅଛି ଲୋକ କେଉଁ ଦାଦାନରେ ପଳେଇବ? ନିଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ନିଜ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ, ସେ ଅଧା ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଡାଟା ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛି କି ସେଇ ଏକ୍ସର ଟ୍ୱିଟରର କମେଣ୍ଟରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି କରାଯାଏ। ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆଜି ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି, ୱାଶିଂଟନ DC ନ୍ୟୁ, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଡେଟା। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 1806 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟରେ 695 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛି ମାନେ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 4635 ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, 12468 ପ୍ରାଇଭେଟରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2842 ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, 7842 ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ତରରେ। ହରିୟାଣାରେ 668 ସରକାରୀ, 1403 ଗୁଣା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କିଏ ସିନ୍ସିୟର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଏଇଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି ବିଗତ 25 ଭିତରେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ 10 କ'ଣ ଆମର ଗୋଲ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହିଲି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ
ତାଙ୍କର ସରକାର ତିନୋଟିଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରେ 465 ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ 506 ତାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ କିଛି କଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଠୁ ଅପମାନଜନକ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ MBBS ସେଇଠୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି ଦାଦାନ ଆଉ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଏଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ବାଖ୍ୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୟା ଆସୁଛି କି ସେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଯେଉଁଟା ନୋବେଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦାଦାନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତିକି ଏତିକି ଭେକେନ୍ସି ଡକ୍ଟରର ଅଛି ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 9 ଜୁନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରଥମ ଫାଇଲ୍ ହେଲା ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଲ୍ ହେଲା BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିୟର ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଭରେଜ୍ ହେବ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବେ ଆଉ ବିଜୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଲ୍ ସରକାର ହେଲା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫାଇଲ୍ଟି ସାଇନ୍ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।